डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक और ओके। क्लास फोर में यूनिट सेवन ज्योमेट्री कर रहे थे। इस एक्सरसाइज 13 पे नंबर 116, ठीक है, आज हम लोग ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को स्क्वायर की डेफिनेशन बताऊंगी। स्क्वायर इज अ शेप विद फोर इक्वल साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स दैट आर ऑल राइट एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। सो अब इस एक्सरसाइज में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट स्क्वायर विद द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू। नाउ वी आर गोइंग टू मेक स्क्वायर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये अब हम लोगों ने क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रा करना है, 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रा करना है स्केल की मदद से। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी नीट कॉपीज पर काम करना है। मैं आप लोगों के सामने मार्कर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए, और ये लेकिन आप लोगों ने अपनी कॉपी पर करना है। तो आप लोगों ने ड्रा जब करेंगे तो आप उसके लिए पेंसिल यूज़ करेंगे। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने ड्रा कर रही हूँ, 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रा कर रही हूँ। ये स्क्वायर आप लोगों के सामने मैंने ड्रा कर दिया, और यही काम आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पर करना है। लेकिन ड्रा जब आप लोग करेंगे स्क्वायर ड्रा, तो आप लोगों ने पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है जी। रिमेनिंग पार्ट जो आप लोगों के सामने बुक पर दिए हुए हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने नीट कॉपीज पर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।